थोड़ा इंतजार करना, एक महीने में अगर काम ना हो, दो महीने में काम ना हो, तीन महीने में काम ना हो, एक बार पशुपति व्रत से काम ना हो, एक बार 16 सोमवार के व्रत से काम ना हो, एक बार भगवान के जल चढ़ाने से काम ना हो, छोड़ना मत ही, क्योंकि जितना संबंध परमात्मा से पुराना होते चले जाता है, भगवान उतना भंडार भरते चला जाता है। संबंध पुराना, संबंध पुराना। सुगंधा ने हाथ जोड़े, ऋषियों के नेत्र खुले, इंतजार करती रही थी, इंतजार। शिव को जल चढ़ाने वाले, एक बात याद रखना, थोड़ी प्रतीक्षा जरूर करना। परीक्षा वो करेगा, प्रतीक्षा तुम करिए। शिव को जल चढ़ाने वाला, प्रतीक्षा करना, इंतजार करना, इतनी जल्दी डोलना मती कि मेरा काम नहीं हुआ तो मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, मेरा काम नहीं हुआ तो मैं शंकर जी के मंदिर नहीं जाऊंगी। आप मंदिर के अंदर भी नहीं जा सकते तो शिवालय के सामने से, मंदिर के सामने से निकल कर जाते जाते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते भी निकल गए तो भी बाबा सुन लेता। सरल है शिव, सहज है शिव, उसको आडंबर पसंद नहीं है। मेरे शंकर भगवान को छल पसंद नहीं है, दिखावा पसंद नहीं है। सुगंधा कह रही है, बाबा आपके नेत्र खुले हैं, आपके नेत्र खुले हैं बाबा, आप मुझे बताएं मैं कौन से महीने से 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ करूं, उसका विधान क्या है, क्या विधान। कहा, भगवान वर्णन करे, ऋषियों ने कहा, सुनो सुगंधा, ये 16 सोमवार का व्रत कोई साधारण नहीं है। सुगंधा, संतान की प्राप्ति के लिए अगर 16 सोमवार का व्रत उठाया जाता है तो श्रावण के पहले सोमवार से उठाया जाता है। कब से उठाना चाहिए? श्रावण का पहला सोमवार। सुनो सुगंधा, यदि कोई विशेष बीमारी हो गई, बहुत रोग हो गया, तकलीफों में जिंदगी चल रही हो, बहुत कष्टप्रद जीवन चल रहा, तो बैसाख के महीने के पहले सोमवार से 16 सोमवार का व्रत उठाना चाहिए। और सुनो सुगंधा, उत्तम वर, उत्तम घर, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, के लिए अगर हमें व्रत करना है तो मार्गशीर्ष मास का पहला सोमवार से इस व्रत को प्रारंभ कर देना चाहिए। मार्गशीर्ष मास का पहला जो सोमवार हो उसमें इस व्रत को प्रारंभ कर लो। और सुनो सुगंधा, यह व्रत दोपहर के तीसरा जो पहर हो, प्रदोष काल, उस प्रदोष काल के समय पर आप इस शिवलिंग की पूजन अपने घर में पार्थिव बनाकर स्मरण कर भगवान देव अधिदेव महादेव के लिए प्रसाद तैयार कर आप जिस भाव से भगवान शंकर का आटा सेक कर या चूरमा बनाकर या मलिदा बनाकर जो भी आप बना रहे हैं उससे तीन हिस्से प्रसाद के इस 16 सोमवार के व्रत में भी होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? तीन हिस्से। पशुपति व्रत में 16 सोमवार के व्रत में एक अंतर भारी है, पशुपति व्रत में दो हिस्से मंदिर में रह जाते हैं, एक हिस्सा अपने साथ आता है और स्वयं को खाना पड़ता है। पर 16 सोमवार के व्रत में यह भाव है, एक हिस्सा भोलेनाथ का रहता है, दूसरा हिस्सा भक्तों के लिए, शिव भक्तों के लिए रहता है, और तीसरा हिस्सा आपके लिए रहता है। यदि पूरा ना पा सकें तो दूसरे को भी आपके हिस्से का प्रसाद दे सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं। अब आ जाओ, बड़ा सुंदर प्रसंग। नरसिंह पुराण का आता है, एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया। 16 सोमवार के प्रसाद को कई माताएं जब 16 सोमवार का उद्यापन करती हैं, 16 जोड़े आमंत्रित करती हैं और 16 जोड़ों को
घर में बुलाकर जब भोजन कराती हैं, तो वो 16 जोड़े जो भोजन करने वाले होते हैं या 16 सोमवार के उद्यापन, हम तो आपसे यहां तक कहेंगे कि 16 सोमवार का उद्यापन अगर किसी के यहाँ मोहल्ले में, कॉलोनी में, घर में किसी के यहाँ हो रहा हो, तो उसके यहाँ आप भोजन भंडारा खाने के लिए जाओ चाहे मत जाओ, पर 16 सोमवार का अगर प्रसाद का उद्यापन का अगर प्रसाद मिल जाए तो दोनों हथेलियां फैलाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, ओम नमः शिवाय बोलकर, नमः शिवाय बोलकर, अपनी कामना कर किसी के अगर उद्यापन हुआ हो, दोनों हथेलियां फैलाकर उससे थोड़ा सा प्रसाद मांगकर उसी के दरवाजे पर खाकर आ जाइए, आपकी जिंदगी को सुख का अनुभव हो जाए। तो कोई पूछे ये कथा कहां से ली, तो आप बता देना नरसिंह पुराण में यह वर्णन आता है। कौन से पुराण में है? नरसिंह पुराण में वर्णन आया कि एक बहुरोमा नाम का एक दैत्य था, एक असुर बहुरोमा, एक बार बहुरोमा नाम का यह दैत्य या असुर मार्ग से निकल कर जा रहा था और किसी एक ऋषिवर ने, एक गुरु ने, एक संत ने उस बहुरोमा दैत्य को देखा। नरसिंह पुराण का चरित्र। कोई आपसे पूछे कि 16 सोमवार के व्रत का प्रसाद का महत्व क्या है, क्या महत्व? बहुत ध्यान देना, यहां पे माताएं पशुपति व्रत करती हैं। पशुपति व्रत अगर आप लोग करते हैं तो उसके दो हिस्से मंदिर में छूटते हैं प्रसाद के। बोलो नी जी, हाँ सही है। मंदिर में आप जो प्रसाद के दो हिस्से छोड़कर आती हो, बहुत सारी माताएं व्रत करती है और वहां प्रसाद के हिस्से रखे रहते हैं। मंदिर का पुजारी हो, मंदिर के पंडित जी हो, या मंदिर की कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बड़ा, उस प्रसाद को एकाग्रित कर लेता है और उस प्रसाद को जो भक्त लोग दर्शन करने आते हैं जिनका पशुपति व्रत नहीं रहता, या जो दर्शन करने आए या गांव के बच्चे हों, नगर के बच्चे हों, कॉलोनी के बच्चे हों, उनको वो प्रसाद जो वितरण किया जाता है, शिव महापुराण की कथा कहती है हजारों हजारों अश्विक यज्ञ का जो फल प्राप्त होता है वो मात्र वो प्रसाद के वितरण से, उसके पाने से प्राप्त हो जाता है। आप लोगों में से कोई माता ने करा कभी ऐसा? अगर कोई प्रसाद चढ़ाकर गया पशुपतिनाथ व्रत का, दो हिस्सा छोड़कर गया, और बहुत सारी माताओं ने छोड़ दिया और वो सब चली गई, उसके बाद वो प्रसाद रखा रहता है, तो उसको एक तसले में, एक पात्र में एकाग्रित करना चाहिए और उसको बांटना। हजारों अश्विक यज्ञ के फल के बराबर वो पुण्यता पशुपति नाथ के व्रत को वितरण करने की, उसको पाने की। तीन चीजें बड़ी महत्व की हैं शिव मंदिर में। एक जो दिया लगाकर चले गए शिवालय में, जो दीप लगाकर चले जाते हैं, दिया रखकर चले जाते हैं, वो दिया ठंडा हो जाता है। जब वो दिया समाप्त हो जाए, ठंडा हो जाए, बुझ जाए, ठंडा हो जाए, वो दिया पड़ा रहता है। तीन चीजें शिवालय में हमेशा याद रखो, उन दियों को उठाकर एक जगह पर ले जाकर एकाग्रित कर बाहर जहां जगह होती हो, डलिया में, खोके में, वहां रखो। वो रखे हुए दीप जो ठंडे हो गए हैं उनको उठाकर एक जगह पर ले जाकर रख देने से जीवन में कभी विपदा की अगर घड़ी आती है, विपदा की घड़ी से मतलब होता है कोई बड़ा रोग आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, उस एक्सीडेंट के समय पर एम्बुलेंस भी नहीं आई, कोई नहीं आया, आपने भगवान शंकर के सामने से रखे हुए दिए जो ठंडे हो चुके हैं, जले हुए नहीं, जो ठंडे हो गए, जिनमें ना दीप में कुछ भी नहीं बचा, वो ठंडे हो गए, उनको उठाकर आपने अगर एक और ले जाकर भी रखा है, अगर कोई आपकी विपदा की घड़ी में खड़ा नहीं होता तो वो दीप जिनको आपने उठाकर एक और ले जाकर रखा है देवाधिदेव महादेव के मंदिर में, महादेव आपको उठाकर ले जाकर कहीं श्रेष्ठ जगह पर जरूर रखते हैं, निश्चित रखे। बोल बम का नारा है बाबा, उस दीप को रखे। तीन चीजें बड़ी महत्व की, एक प्रसाद शंकर के मंदिर का, पशुपति व्रत का प्रसाद, एक शिव मंदिर में रखी हुई जल से भरी हुई बाल्टी हंडा। अब हमें यहां छिंदवाड़ा का तो नहीं मालूम, ये शिव पुराण तो कहती है अपने घर से जल लेकर जाना चाहिए, आप लोग ले जाते हो ना, पर
मंदिर के अंदर भी बाल्टी भरकर रखा रहता है पानी, यहां रखते हैं क्या कि कोई भक्त आए और उसको चढ़ाना हो तो वहां से भरकर? वो बाल्टी, वो हंडा अगर तुम्हें दिख रहा है कि खाली है और बावड़ी, कुआं, नल दूर है या बाहर है, तो प्रयास करना कि वो बाल्टी, वो हंडा, वो घघरा आप उसको भरकर मंदिर में जरूर रखकर आना। जितने लोग जल चढ़ाएंगे वो जल आपकी ओर से चढ़ा हुआ होगा, उसका फल अपने खाते में। तीन चीजों का स्मरण रहे। पशुपतिनाथ का व्रत और 16 सोमवार का व्रत, दोनों में एक अंतर है। पशुपतिनाथ का व्रत जब पांचवा व्रत रहता है उसी दिन श्रीफल बाबा को समर्पित कर दिया जाता है, बोलो सही है? उसी दिन पांचवे व्रत में। पर 16 सोमवार का जो व्रत होता है इसका जो अध्यापन होता है वो 16 सोमवार पूरे होने के बाद 17वें सोमवार पर इसका अध्यापन का महत्व आता है। कितने सोमवार पूरे होना चाहिए? जम के बोलो जरा। 16 सोमवार पूरे होने के बाद 17वां जो सोमवार होता है, 17वां जो सोमवार है बस उस सोमवार पर फिर इसका उद्यापन हो, 16 सोमवार पूर्ण होने। दोनों में अंतर हो नहीं सकता कि शंकर कृपा ना करे अगर आपका विश्वास प्रबल है। जिस समय कहीं अटक रहे हो, बहुत बहुत हम तो यहां तक कहेंगे कि कोई बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आकर खड़ी हो गई है, तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से एक लोटा पानी, उसमें एक सफेद पुष्प डालकर शंकर को समर्पित कर दो या सफेद फूल शिव जी को चढ़ा दीजिए और उस पानी को भगवान शंकर पर समर्पित कर दीजिए महाराज, और उसके बाद आप आगे बढ़ जाइए, फिर कोई डरने की जरूरत नहीं होगी, शिव उसको संभाल लेगा, कुंदकेश्वर महादेव संभाल।